राज्य प्रशासनिक सेवा में नवनियुक्त अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। कार्यक्रम में राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने इशारों इशारों में उन्हें मंदबुद्धि बताया। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवाओं के नवनियुक्त अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जो 19 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें 42 दिन का इंडक्शन प्रोग्राम भी होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए इशारों इशारों में ही राहुल गांधी को मंदबुद्धि बताया और राम मंदिर का न्योता ठुकराने के संबंध में माफी मांगने की नसीहत दी। मुख्यमंत्री यादव ने कहा है कि चुनाव की बेला में अपने दल का विचार न करते हुए राहुल गांधी समय जाया कर रहे हैं। उज्जैन देव दर्शन करने की नगरी है, यही शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान के दर्शन अच्छे से कर लें, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। मैं इस पे कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि जिनके शासन काल में कांग्रेस ने बहुत लंबा सफर अदा किया है, लेकिन चुनाव की बेला में भी अगर कोई अपने दल का विचार न करते हुए इस तरह से समय जाया करता तो ये उनका विषय हो सकता है। मैं इस पे क्या टिप्पणी करूँगा, लेकिन दीव देव दर्शन करने की नगरी है उज्जैन, वो भगवान के दर्शन अच्छे से कर ले, मैं यही उनको शुभकामना देता हूँ। मध्य प्रदेश की धरती पर भगवान उनको सद्बुद्धि दे, एक पश्चाताप भी करे कि भगवान राम के मंदिर का न्योता उनकी पार्टी ने क्यों ठुकराया था, वो जनता से माफ़ी मांगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वो मंदिर बना, उनके एक नेता उस बनाए हुए मंदिर के स्थान के बारे में आज भी कोई देवस्थान तोड़ा गया इसका पश्चाताप करते हैं। माननीय राजीव गांधी जी से निवेदन है वो उस पर अपना स्पष्टीकरण दे, और कुल मिलाकर के शांति और सद्भाव के टापू पर वो अपनी यात्रा जिस भाव से कर रहे हैं वो तो कभी फलीभूत होगी नहीं, क्योंकि जीवन भर जिस पार्टी ने अन्याय किया वो न्याय यात्रा पे निकल रहे, तो लोग उस बात के प्रश्न ढूंढते हैं कि आज भी उस काल के दरमियान किए गए अपराध इसके बारे में कांग्रेस क्यों सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगती। मैं उम्मीद करता हूँ राजीव गांधी जी इन सारे बातों के उत्तर देंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।